हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आईपीएल का 13वां सीजन इस बार यूएई में आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल 19 सितंबर से शुरू होगा और 10 नवंबर को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही साथ टीवी पर भी एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि कई टीवी चैनल 3 बड़े बड़े शो लेकर आ रहे हैं। तो कैसा होगा यह मुकाबला, आइए आपको बताते हैं। इस बार टीवी पर सितंबर या फिर अक्टूबर में ही कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस और इंडियन आइडल शुरू होने की खबरें सामने आ रही हैं। जहां एक और आईपीएल की तारीखों का ऐलान हो गया है, वहीं बाकी शो के प्रोमो आने शुरू हो गए हैं। हालांकि इनकी तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। आईपीएल 19 सितंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगा। इसी दौरान ये शो भी टीवी पर आने की तैयारी कर रहे हैं। आईपीएल के 13 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब आईपीएल को कड़ी टक्कर टीवी के इन शो से देखने को मिलेगी। अभी तक आईपीएल मार्च, अप्रैल और मई में होता था। वहीं कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस और इंडियन आइडल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होते आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल का आयोजन इस साल मार्च में होना था और मई में इसका फाइनल खेला जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे पहले 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया था। और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि आईपीएल का आयोजन यूएई में होगा। 19 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा और 10 नवंबर को फाइनल मुकाबला होगा। कौन बनेगा करोड़पति टीवी पर एक बार फिर दस्तक देने की तैयारी में है। पिछले ही दिनों इसके अगले सीजन के लिए अमिताभ बच्चन टीवी पर आना शुरू हो गए थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें कोरोना हो गया, इसलिए उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन अब अमिताभ बच्चन कोरोना को मात देकर घर लौट आए हैं और एक बार फिर टीवी के सुपरहिट गेम शो की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी ओर सलमान खान एक बार फिर बिग बॉस का 14वां सीजन लेकर आने वाले हैं। बिग बॉस का भी प्रमोशन शुरू हो गया है, हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि सितंबर या फिर अक्टूबर में ये शो टीवी पर आने लगेगा। वहीं इंडियन आइडल की बात करें तो इसके लिए तो रजिस्ट्रेशन भी पिछले दिनों शुरू हो गए। इस बार इंडियन आइडल का भी 12वां सीजन होगा। कोरोना वायरस के कारण इस बार इंडियन आइडल के ऑडिशन भी घर से ही हो रहे हैं। ये टीवी शो भी अक्टूबर में शुरू हो सकता है। इस बार अक्टूबर नवंबर के महीने में टीवी के कई मेगा शो आपस में टकराएंगे, जिनकी टक्कर आईपीएल से भी होगी। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। बड़ी बात यह है कि आईपीएल, कौन बनेगा करोड़पति, इंडियन आइडल का समय शाम का ही होगा। आईपीएल के मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे और रात 11:30 से 12 बजे तक चलेंगे। वहीं टीवी प्रोग्राम भी 8 बजे से शुरू होकर 10 से 11 बजे तक आते हैं। ऐसे में टीवी टीआरपी की जंग अब और भी रोचक और रोमांचक होने वाली है। देखना होगा कि इस बार क्रिकेट की दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है या फिर अमिताभ बच्चन और सलमान खान का जादू बोलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।